देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर ए, दो और तीन, ये पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार भी उम्मीद रखिए कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कहा था ई वैल्यू आई के पावर 18 18 प्लस 1 बटे आई के पावर 25 का होल पावर 3, इसका कहता है कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू निकालना आंसर। कभी कभी सो डेटा भी पूछता है, इतना इसका जो आंसर आएगा ना इतना बड़ा करो। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझना। गिवन क्या गिवन है, i टू पावर 18 प्लस 1 अपॉन i पे पावर 25 का होल 3। ये i का फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, हम जो पढ़े थे थोड़ा देर पहले इससे पहले वीडियो में कि i का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि i का स्क्वायर होता है -1 और i पे पावर 4 का वैल्यू होता है +1 ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे ना तो i पे पावर 4 लेके या फिर i का स्क्वायर लेके चलेंगे तो आसान होता है। क्यों? क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो -1 लेंगे और कहीं पे i पे पावर 4 आया उसका वैल्यू +1 लेंगे। अगर कहीं पे 1 लिखा है तो उसके बदले में हम i पे पावर 4 लिख सकते हैं, अगर कहीं पे -1 लिख रहा है तो -1 के बदले में i स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर स्टूडेंट्स यही चीज हम लोगों ने अभी पढ़ा है, अगर i पे पावर है मान लीजिए 22 तो हम इसको क्या लिखेंगे, i पावर 4। ये जो पावर 4 लिए है ना, इस 4 से इस 22 को डिवाइड करके यहां पे लिखा जाता है, तो 4 से 22 को डिवाइड करिए तो 4 5 20 5 बार में 4 5 20 यहां 22 को अगर हम 5 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 20 यानी शेषफल कितना आया, 2। तो 2 का मतलब क्या, यहां पे i का स्क्वायर बच रहा है। तो देख लीजिए 5 का 20 2 22 मल्टीप्लाई में पावर जुटता है तो ये i स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, i पे पावर 4 का वैल्यू होता है +1 तो +1 पे पावर 5 तो +1 ही मल्टीप्लाई i स्क्वायर का वैल्यू -1 यानी कंप्लीट आंसर -1 आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा, ये 2016 में पूछा गया था और उसके बाद 17 में भी शायद पूछा। i पे पावर 18 को क्या लिख सकते हैं, i पावर 4, 4 लिए पावर, 4 से 18 को भाग करो 4 चौक 16, 2 बच रहा है यानी i का स्क्वायर बच रहा है, प्लस ये देखिए ऊपर में क्या है 1 है ना, इस 1 के बदले में क्या लिख सकते हैं, i पे पावर 4, नीचे में i है तो i ही देके छोड़ दीजिए, यहाँ पे पावर 25 पे पावर 3। समझना, एक एक नियम से इसको बढ़िया से समझाऊंगा। i पे पावर 4 का वैल्यू 1 का पावर 4 है तो 1 ही, यहाँ पे बच रहा है कितना 1, और i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो +1 गुना -1 तो -1, प्लस का चिन्ह देंगे कौन से भाई, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहां i पे पावर 4 अब बटे i है तो यहां से एक i कट जाएगा क्या बचेगा, i पे पावर 3 का होल पावर 25। हां बोलिए, प्रादेशिक फोन के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये -1 प्लस i पे पावर 3 का होल ये 25 पावर 3 है, एक काम करिए इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस का चिन्ह 25 गुना 3 तो i पावर कितना 75 पावर 3। उसके बाद स्टूडेंट लिखेंगे -1 प्लस i पावर 75 था ना, 25 किया 75, अब इसको हम लिखते हैं i फॉर्मेशन, i पे पावर 4, 4 ले लिए, 4 से 75 को डिवाइड करो तो भागफल कितना आएगा, 4 एकम 4 3 यानी 5, 4 9 36 नहीं गलती कर दिए 18 हो जाएगा, फिर बचेगा i का क्यूब पे पावर कितना 3 ना। हमने क्या किया, यहां से i पे पावर 75 को लिखा i पावर 4 पे पावर 18 * i³,
देखो 18 + 72, 72 + 3 75 हो जाता है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा आएगा, माइनस वन और प्लस, आई पे पावर 4 पे पावर है 18, इसका वैल्यू 1, तो बच रहा है यहाँ कितना, आई पे पावर 3 का होल 3। एक एक स्टेप से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स अब माइनस वन, आई पे पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई पे पावर 3, ये क्या बचेगा माइनस वन, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस आई तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स पे पावर 3 ना। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, माइनस वन माइनस आई का होल क्यूब, एक काम करिए माइनस को बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा, वन प्लस आई का होल क्यूब, माइनस बाहर आएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई वन प्लस आई का होल क्यूब, ये क्या बन जाएगा, वन का ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b। हाँ हेलो, हाँ 3b² a, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना, हाँ एक घंटा बाद लेंगे, हाँ हम कॉल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स a प्लस b का होल क्यूब तो क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, वही फार्मूला यहाँ पे लगाइए, वन का क्यूब वन प्लस आई क्यूब प्लस 3a² b यानी आई प्लस 3b² a यानी 3i² आंसर लिखिए। वन आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई, यहाँ पे है प्लस 3i, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 3, तो माइनस 1 होता है तो माइनस 1 इंटू प्लस 3 तो माइनस 3। आंसर देखिए कंप्लीटली क्या आने वाला है, 1 - 3, ये स्टूडेंट बन जाएगा माइनस बाहर भी 1 - 3 माइनस 2, माइनस आई प्लस 3i यानी प्लस 2i, ये माइनस बाहर में है, इस सबके साथ गुणा हो जाएगा, हमें 2 - 2i, ये आपका आंसर। देखिए स्टूडेंट किस तरह से हम लोगों ने यहाँ से यहाँ लाए, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर आपका ये सोल्यूशन, कंप्लीट आंसर आपका आया है 2 - 2i, नोट कर लीजिए। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। समझने के लिए अच्छे से समझ में आए, एक एक स्टेप ऐसे भी बना सकते हैं क्या। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ये गिवन क्या है, गिवेन a² + 6 + a² + 4 a² + 1 = 0 है, नहीं साबित करना, सो डेट करना है, सो डेट कब, इफ a = 1 + i/√2, ये क्वेश्चन है, कहता है इतना बराबर जीरो होना चाहिए कब, जब a का वैल्यू 1 + i/√2, तो क्या करोगे, जहां जहां a है वहां पे ये पुट कर दोगे, ऐसा गलती भी होगा कभी नहीं करना, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है, सॉल्यूशन करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हम आसान तरीका आपको बताते हैं, ठीक है, इतना इजी तरीका बताऊंगा, आप कहोगे तो 3 नियम बता दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे,
सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन a इक्वल टू 1 प्लस i बटे रूट 2 ऐसा दिया गया है। ये जो चीज दिया है हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो रूट 2a बराबर 1 प्लस i है। देखिए यहाँ से समझने वाला बात यहाँ का आप अच्छे से समझिएगा, नहीं तो फिर बहुत पछताओगे। करना क्या है आपको कि i के साथ में जो भी कोई नंबर प्लस या माइनस में है उसको i से हटा करके इस पार ले आ। इधर रियल है ना, इस रियल को भी रियल के तरफ लेकर चल जाइए, i को छोड़ दीजिए अपने जगह अकेला, यानी ये हो जाएगा स्टूडेंट्स रूट टू ए माइनस वन बराबर i। अब क्या करना, जब ये अकेला हो जाए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये अकेला हमेशा आई वाला फॉर्मेशन सिंगल होना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स तो रूट टू ए माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, टू ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू इंटू रूट टू इंटू ए बराबर माइनस वन, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है। अब देखिए ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर ये माइनस वन इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा पर टू प्लस टू रूट टू ए बराबर जीरो। टू कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस रूट टू ए प्लस वन बराबर जीरो। अब हमें ए का वैल्यू चाहिए था लेकिन अभी तक ए का वैल्यू फाइंड नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि देखिए ए के साथ में क्या है, रूट टू है। अब क्या करिए, एक काम ए स्क्वायर और प्लस वन को उस तरफ लेके चले जाइए, ठीक है, समझ रहे हैं क्या आप कहना चाह रहे हैं। ये हो जाएगा रूट, या फिर इसी अकेला को उधर लेके चले जाइए, यानी ए स्क्वायर प्लस वन ये बचेगा, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस रूट टू ए, फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्टूडेंट्स हमको स्क्वायर करना होगा। काहे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो ये आई के रूप में नहीं रहना चाहिए लास्ट में, और ना ही रूट के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या किया, इसका जब स्क्वायर किया तो हमारा कंप्लीट आया ए स्क्वायर प्लस रूट टू ए प्लस वन बराबर जीरो, तो रूट टू ए को हमने उस पार लेके चला गया तो माइनस में हो गया, फिर से स्क्वायर कर दीजिए रूट खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस वन का ऐसे कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर माइनस रूट टू ए का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए पे पावर फोर प्लस वन प्लस ए स्क्वायर, ना टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर इधर स्क्वायर करेंगे तो इसको माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा टू ए स्क्वायर, ना अब देखिए टू ए स्क्वायर कट जाएगा, ए पे पावर फोर प्लस वन बराबर जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमने जो गिवन था ये उसको लिख दिए रूट टू के इधर मल्टीप्लाई करके, फिर वन को स्क्वायर करके स्क्वायर किए थे, ये वाला लाइन आया, फिर हमने रूट टू वाले को उधर लेके चले गए, फिर दोनों तरफ स्क्वायर किए थे, ए पे पावर फोर प्लस वन बराबर जीरो आया। अब स्टूडेंट्स जो हमें साबित करने के लिए बोला गया एल एच एस बराबर आर एच एस लिखेंगे, चूंकि एल एच एस ए टू पावर सिक्स ए टू पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन दिया है, ए दिया है। अब जहां जहां स्टूडेंट्स ध्यान रखें, अब बहुत आसान हो गया, यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, इस दोनों में से ए पे पावर फोर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, नहीं ए क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना है, ठीक है, हाँ ये चीज देखिए बाबू, ए पे पावर सिक्स ये वाला ए स्क्वायर फिर ए पे पावर फोर प्लस वन ऐसा है, इस दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, तो क्या बचेगा, अरे सॉरी सॉरी एक मिनट, दो कॉमन लेंगे
16 ऐसे नहीं लिखा। देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं कितना 8 पावर 4 तो बचे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 1। हाँ सही हो गया, ए स्क्वायर प्लस 1। देखिए स्टूडेंट हमने क्या किया, इसमें से भाई इसमें से ये पे पावर 4 कॉमन ले लिए, ये पे पावर 4 कॉमन लेने से क्या बचे रहे हैं ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस 1 और इसमें कुछ नहीं है, क्या किए बाहर 1 कर दिए ए स्क्वायर प्लस 1 गुणनखंड हो गया, ये क्या हो जाएगा ए पे पावर 4 प्लस 1 इनटू ए स्क्वायर प्लस 1 एलएचएस चल रहा है। अब देखिए ए पे पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू कितना है 0, यहां पे स्टूडेंट 0 और मल्टीप्लाई ये वाला नंबर ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 0, यही तो हमें साबित करना था, ये हो गया आरएचएस प्रूफ। देखिए तो हमने ए पे पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या किए ए स्क्वायर ए पावर 6 ए पावर 4 में से ए पावर 4 कॉमन लिए तो बचा ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस 1 को हमने ऐसा लिखा फिर गुणनखंड करके यहां लाए तो 0 हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, पहले नोट कर लिए, अभी आपको एक और नियम बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा नियम में क्या करना है, आपका यही सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन करके यहां तक लाना, ये चीज दूसरा नियम जो होगा यहां तक लाना ही है, लेकिन दूसरा जो रूल बताने जा रहा हूं उसके बाद ये वाला खत्म हो जाएगा, इससे नहीं कर, आपको अगर ये समझ में अच्छे से आ गया इसी नियम से बनाओ एग्जाम में, यहां तक तो आना ही है, इसके बाद एलएचएस लिखेंगे कॉमन लेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं अगर आप दूसरा नियम चाहते हो स्टूडेंट दूसरा नियम में लिखेगा और टोटल सॉल्यूशन यहां से यहां तक सॉल्यूशन कर लेना, उसके बाद वाला स्टेप बताता हूं। ठीक है, दूसरा नियम में क्या होगा यहां तक लिख लेना और जब आपका a पे पावर 4 प्लस 1 0 के बराबर आ जाए हर कंडीशन में, इसमें बताऊंगा यही वाला, ठीक है डायरेक्ट शुरू से लेकर लास्ट तक जब ये 0 के बराबर आ जाए स्टूडेंट लिखेंगे, इसीलिए LHS हमारा है a पे पावर 6 a टू पावर 4 a स्क्वायर प्लस 1, हम क्या करेंगे इसीलिए a टू पावर 4 प्लस 1 ये जो a पे पावर 4 प्लस 1 है इससे इस LHS को डिवाइड कर देंगे, यानी a पे पावर 6 a स्क्वायर a पे पावर 4 a स्क्वायर प्लस 1, अब भाग कर ये स्टूडेंट देखिएगा पूरी तरह से कट जाना चाहिए, पूरी तरह से कट जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, a पे पावर 4 प्लस 1 से इसको डिवाइड करिए कि कितना बार में डिवाइड होगा, देख रहे हैं यहां पे a पे पावर 4 है तो यहां 6 है यानी a स्क्वायर 6, यहां हो जाएगा a पे पावर 6 प्लस ए स्क्वायर बाय माइनस करेंगे ये कट जाएगा यहाँ से ये कट जाएगा यहाँ से क्या बचेगा ए टू पावर 4 प्लस 1, अब कितना से डिवाइड होगा दिख रहा है ना 1 से प्लस 1 से ये हो जाएगा ए पावर 4 प्लस 1 ये कट जाएगा ये भी कट गया ये भी कट गया आंसर कितना 0, तो 0 ही प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए स्टूडेंट हम लिख सकते हैं ए पावर 6 प्लस a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 रूट, ये दूसरा नियम मिटाओ। अब हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे a वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है हाँ 4-5 वीडियो हमको लगता है बन ही जाएगा क्योंकि इसके बाद पढ़ाएंगे स्टूडेंट हम लोग एक और, उसके बाद पढ़ाएंगे डी मूवर्स थ्योरम, डी मूवर्स थ्योरम में भी तो एक बेसिक वीडियो होगा उसके बाद एक सॉल्यूशन वाला, देखिए स्टूडेंट कैसे बनेगा ये, सॉल्यूशन गिवन यहां तक आपका क्वेश्चन था गिवन क्या गिवन है x = 1/2 1 + √2
√3i, ये आपका गिवन। क्या करना है आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1 प्लस √3i। हमने क्या बताया कि i वाले फॉर्म को हमेशा अकेला रखो, इस 1 को इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू √3i। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर √3i का होल स्क्वायर। हाँ हेलो, गली में आप, हाँ व्हाइट है तो 2 मंजिला या 3 मंजिला होगा, हाँ अंदर की है ना, अरे वीडियो कॉल हो गया, वो जो क्या कहता है व्हाइट कलर का 3 मंजिला बिल्डिंग है ना, हाँ उसके सामने ही है, गाड़ी वगैरह तो लगा होगा, गाड़ी में सब कहीं गए होंगे, पूछे किसी से पूछे वहाँ पे नाम का, घर नहीं जाना है, बोलिए वो वाला दुकान वाला जहाँ पे सर नहीं है, उसका आदमी है। हाँ हाँ रुकिए, ठीक ठीक हम कॉल करके बताते हैं। देखो बाबू ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, ये हो जाएगा आपका 3i स्क्वायर। चलिए अब इधर आ जाते हैं, एक लाइन और लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x बराबर माइनस 3, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 3, माइनस 3 को हमेशा इधर ले आओ, टोटल इक्वेशन को 0 के बराबर करेंगे, माइनस 3 जब इधर आएगा तो प्लस 1 भी है 4 हो जाएगा, यानी 4x ये हो जाएगा 4x स्क्वायर कॉल आता है माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, 4 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करना है इसके बाद देखिए, नाउ LHS ये जब 0 के बराबर आ जाए स्टूडेंट्स तो इसको डिवाइड कर देना, ये जो है ना LHS कितना है 2x पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6, ये इसका वैल्यू निकालना है, ये वाले जो है इसको इसको हम क्या करेंगे जो 0 के बराबर इक्वेशन लाए हो ना उसी से इसको डिवाइड कर देना, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए ये जो गिवन है x बराबर इसी का सॉल्यूशन आपको ऐसे करना है और इस इक्वेशन को 0 के बराबर लाना है, इससे पहले वाला में भी 0 के बराबर लाए थे, अब इससे क्या करो इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 2x पावर 4 3x क्यू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6, भाग करो कितना बार में भाग होगा स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर टाइम्स में, ये हो जाएगा आपका 2x पावर 4 फिर माइनस 2x क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस फिर माइनस ये प्लस ये माइनस, यहाँ से ये कटेगा यहाँ से ये कटेगा, क्या बचेगा 3 × 2 = 5 एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 6, अब यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 5x प्लस 5x, इससे हो जाएगा 5x क्यू माइनस 5x स्क्वायर, फिर ये 1 है ना, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस कर माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 5x स्क्वायर ये माइनस 6x प्लस 6 ए ना, सही है ना 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, अब इसको इधर प्लस 5 से 5 से ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ये
ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा यहाँ से, ये बचेगा स्टूडेंट्स माइनस एक्स प्लस वाई। बात सही से हुआ है ना, क्वेश्चन सही था, यहाँ पे कोई नंबर बचना चाहिए था। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार। डिवाइड करने के बाद एक नंबर से बचता है, नंबर कितने रियल नंबर के होते हैं। क्वेश्चन तो लिखे हैं 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 1 बाय 2 1 प्लस रूट 3 है। सही तो है, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना एक नंबर रियल नंबर के रूप में बचता था, वो तो मेरे पास है नहीं, भाग लिख लेता हूँ। सही हुआ है 2x स्क्वायर, 2x पावर 4 माइनस 2x क्यूब फिर प्लस 2x स्क्वायर कट जाएगा, 3 दो 5 x पावर 3 माइनस ये x प्लस 6 फिर 5x से तो 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x ये माइनस ये कट जाएगा तो प्लस 5x स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 6 फिर प्लस 5 से तो ये भाग करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा पिक कर जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस x। ये आपका जो शेष फल आता है वही आपका आंसर होगा, शेष फल ही आंसर होगा। यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस x प्लस 1, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, आपके बुक में दिया होगा क्वेश्चन, सॉल्व कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, तरीका बताया, नियम बताया। थैंक यू।